दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके सर क्लासेस में। ट्रांसलेशन की इस पैटर्न पर हम लोगों ने दो वीडियो देख ली हैं और आज हम चल रहे हैं तीसरे वीडियो की ओर। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आज जो वीडियो बन रही है वो आपकी रिवीजन पर आधारित है। दो दिन जो पढ़ा हुआ है उसका क्विक रिवीजन करेंगे, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में। सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखा था और बी वर्ब का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है वो देखा था। आशा है समझ में आ गई होंगी। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस प्रकार से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस कितने प्रकार बताए गए थे आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जो कि असर्टिव सेंटेंस का भाग है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलावा इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस थे। आने वाले वीडियो में आपको ये भी मिलेगा, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त होंगी। और हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है, जहां पर कार्य नहीं होता है। जी हाँ, जहां पर कार्य नहीं होगा वो कहलाएगा आपका बी वर्ब और जहां पर कार्य होगा वो कहलाएगा डू वर्ब। तो बी वर्ब का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस नाउन, एडजेक्टिव या फिर कॉम्प्लीमेंट, इनसे बनेगा बी वर्ब आपका। अब आज हम अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव में। हमें क्वेश्चन का आंसर करना है पॉजिटिव में करना है और निगेटिव में करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज योर ब्रदर। क्वेश्चन है हु इज योर ब्रदर, इट मीन्स तुम्हारा भाई कौन है, व्हाट इज योर नेम ऑफ योर ब्रदर। तो पंकज इज माई ब्रदर, नीरज इज माई ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, ये आंसर हो सकते हैं। आर यू ऑनेस्ट, प्रश्न है क्या आप ईमानदार हैं। आर यू ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट, यहां पर काम नहीं हो रहा है। जो सेंटेंस आप बोले जा रहे हैं ये केवल और केवल बी वर्ब के हो रहे हैं क्योंकि सेंटेंस में काम नहीं हो रहा है। अब काम नहीं होएगा तो बी वर्ब कहलाएगा और डू वर्ब की चर्चा जब करेंगे तब आगे बढ़ेंगे हम सब। इसके बाद आर यू ऑनेस्ट, अब इस प्रश्न का उत्तर दो तरीके से, अगर हैं तो कैसे देंगे और नहीं है तो कैसे देंगे। तो किसी ने पूछा आर यू ऑनेस्ट, तो आप कह सकते हैं ना, यस आई एम ऑनेस्ट, यस आई एम ऑनेस्ट, और कह रहा है आपको कि मैं ऑनेस्ट नहीं हूं तो क्या कहोगे आप, नो नो आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। यस में देंगे और नो में देंगे, अफर्मेटिव में देंगे निगेटिव में देंगे, जो आंसर होगा दैट विल बी इन असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब ये क्या कहा जाए, आर दी क्लेवर, क्या वे चालाक हैं, अगर हैं तो क्या कहेंगे आप, यस दे आर क्लेवर, और नहीं चालाक हैं तो क्या कहेंगे, नो दे आर नॉट क्लेवर, वे चालाक नहीं है। अब आपको आप कहीं जाने के लिए तैयार है तो आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि आर यू रेडी, आर यू रेडी, तो उत्तर क्या हो सकता, अगर वो तैयार है तो क्या बोलेगा, यस आई एम रेडी, और नहीं तैयार है तो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। आर यू फैट, आप मोटे हो, नो आई एम नॉट फैट, I am thin, I am slim body, I am slim, मैं
स्लिम हूँ, पतला दुबला हूँ, मोटा ताजा नहीं हूँ। किसी ने पूछा आपसे आर यू अ डॉक्टर, तो क्या कहेंगे आप, डॉक्टर हैं आप? तो अगर हैं तो क्या कहेंगे, यस आई एम अ डॉक्टर। और नहीं कहेंगे, नहीं हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। व्हाट यू आर, तो तुम क्या हो? तब आता हूँ ना, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ वर्कर, आई एम एन एम्प्लॉई इन अ कंपनी, वॉट एवर यू वॉन्ट से यू कैन। आर दे नेबर्स, आर दे योर नेबर्स, क्या भी आपके पड़ोसी हैं? अच्छा वो मिश्रा जी, यस दे आर माई नेबर्स, दे आर माई नेबर्स। आर यू पंक्चुअल, आर यू पंक्चुअल टू सी माई वीडियो? नो यू आर नॉट पंक्चुअल। हाँ यस आई एम पंक्चुअल टू सी योर वीडियो, मैं आपके वीडियो देखने में पंक्चुअल हूँ। अरे ये तो मजाक कर रहा था, आई एम जस्ट जो कि आर यू रेगुलर आर इरेगुलर, यू आर रेगुलर और इरेगुलर, आई एम ए रेगुलर पर्सन। हु इज ही, इज माई एनिमी, कौन है वो? वो मेरा दुश्मन है। ही इज माई एनिमी, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज माई कोलीग, वो मेरा सहकर्मी है। ही इज माई डैडी, पापा है। शी इज माई मदर, वो मेरी माँ है। आर यू, वर यू क्लेवर, क्या आप चालाक थे? यस आई वॉज क्लेवर एट माई इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में चालाक था, बट नाउ आई एम इनोसेंट पर्सन, मैं ईमानदार हूँ, निर्दोष टाइप का, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मिसबिहेविंग सिस्टम, आई जो कुछ भी है। आई एम नॉट अ फ्रॉड, मैं बदमाश नहीं हूँ। आई एम नॉट नॉटी, नॉटी नहीं हूँ। अच्छा अब बात आती है, कभी कभी हम बीवर पढ़ रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बीवर नॉट डूअर। सो जैसे कभी होता है ना, किसी ने आपसे समय पूछा व्हाट इज योर, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आप क्या आंसर करोगे? तो 7 बजे आए तो क्या बताओगे, इट इज 7 o'clock, क्या बताओगे, इट इज 7 o'clock। 7:15 बजे आए तो क्या बताओगे, इट इज 7:15। 7:15 मीन्स 7:15 बजे हैं, क्या बजे हैं, 7:15, 7:15 हुए हैं, इट इज 7:15। 7:30 बज रहे हैं तो क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया, इट इज 7:30। अच्छा अब बता दी 7:45 बजे हैं तो क्या बोलेंगे आप? 7:45 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 6:45, इट इज 7:15। 7:45 बजे हैं। अब 8 बजे, इट इज 8 o'clock। अच्छा ये बताइए कि 8:10 हुए हैं तो क्या बताएंगे? सोचिए, उत्तर दीजिए कि 8:10 हुए हैं तो क्या बताएंगे आप? इट इज 10:08। अच्छा बताइए कि 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, अब इसका उत्तर दीजिए आप, बाकी है ना, इट इज 5:50। 10 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। अरे किसी ने पूछा व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, तो क्या आंसर करेंगे? जवान इज माय फेवरेट मूवी, जवान आया हुआ अभी हाल ही में आया हुआ, और कौन सी मूवी आई हुई है? सलार, अच्छा 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 सलार इज माय फेवरेट मूवी। ओ कभी खुशी कभी गम, ओके कभी खुशी कभी गम इज माय फेवरेट मूवी। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज रेड, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, माय फेवरेट कलर इज व्हाइट। ओके इफ समवन आस्क यू व्हाट इज योर फादर, देन व्हाट विल यू से? देन से माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज एन इंजीनियर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ शॉपकीपर, माय फादर इज अ लॉयर, व्हाटएवर इज योर फादर यू कैन से।
ओके व्हाट इज योर मदर? घर पे रहती हैं. ओके माय मदर इज अ सिंपल हाउसवाइफ. माय मदर इज अ टीचर. माय मदर इज अ सिंगर, अ डांसर एंड आर्टिस्ट. हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन टू सी यू. मैं आपको देख करके बहुत खुश हूँ. चलिए ये तो प्रैक्टिस हुई है हमारी बी वर्ब की. इसमें हमने इज एम आर का प्रयोग देखा, वाज वर्ब देखा. अच्छा हाँ, विल बी और शैल बी का प्रयोग नहीं किया है. तो जैसे अगर ये कहा जाए वह एक अच्छा नेता होगा, ही विल बी अ गुड लीडर. वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर. वह एक अच्छा अध्यापक होगा, ही विल बी अ गुड टीचर. वह एक अच्छा कलाकार होगा, ही विल बी अ गुड आर्टिस्ट. यार समझते नहीं, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार. ओके तो आज हम केवल इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस बनाइएगा. जस्ट आस्क लिटिल सेंटेंसेस इन विच देयर इज नो वर्क इज फाउंड इन द सेंटेंस. प्रयास ये करिए कि ऐसे प्रश्न पूछिए जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसकी जो फ्रेमिंग होगी वो किस प्रकार से होगी. पहले आपने हेल्प मेन वर्ब लगा, सहायक बी वर्ब लगाना है, बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर रेस्ट जो बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट या नाउन जो कुछ भी है उसको आप रखना होगा. बात समझ में आई? फिर से बता दें एक बार, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं. यस नो टाइप जिसका उत्तर हाँ नहीं में दिया जाता है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जिनके लिए कुछ कहना पड़ता है. जैसे आपने कह दिया व्हाट इज योर नेम, चलो एक सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम. क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो क्वेश्चन वर्ड और ये जो है बी वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, नाउन, कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी आ रहा है वैसे रखना है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं ना. ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं. अगले अंक में हम इससे भी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, तो देखते रहिएगा. और हाँ, सुबह में वीडियो अपलोड हो जाएंगी और आप लोग देखकर आनंद लीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं कल की डेट में फिर से एक नए चैप्टर के साथ. थैंक यू, बाय बाय.